सर जैसे मतलब सनस्क्रीन लगाने के लिए बोलते हैं कि क्लाउडी हो या फिर शाम हो रही है, आपको लगाना चाहिए सनस्क्रीन बिकॉज सन की जो रेज है वो आपके ऊपर पड़ती है। बट आपने जैसे बताया कि जब तक सन की रेज नहीं पड़ेंगी तो सनबर्न नहीं होगा, तो अगर हम ना भी लगाएं तो चलेगा सनस्क्रीन? Hello everyone, this is Vidushi and you are watching the Good Health Show and today we are going to talk about heat stroke. क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लोगों से सहन नहीं हो रही है और इसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हम सब में देखने के लिए मिल रही हैं। हमें समझ नहीं आता है कि जब चक्कर आने लग रहे हैं गर्मी से तो हमें क्या करना चाहिए, या फिर वो डिहाइड्रेशन है या फिर हमें सच में प्यास लग रही है। बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे माइंड में और आपके माइंड में भी ऑफकोर्स होंगे ही, और इसीलिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता। हेलो सर। हेलो मैम, कैसे हैं आप सर? वेरी वेल मैम। सर वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। एंड सर हीट स्ट्रोक मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, लाइक 50 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस हो रहा है, एंड आई एम श्योर कि आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते होंगे जिनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उनके साथ हो गया रहा है इस मौसम में। सो सर वी हैव सम मिथ्स, हम पहले मिथ से स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस हैं और फिर आपके बारे में भी थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। तो सर सबसे पहले जो मिथ आता है वो यही आ रहा है कि जो हीट स्ट्रोक होता है वो एक्सेसिव हीट में ही होता है, तो इज इट अ मिथ और इट्स अ फैक्ट? सी मैम, हीट स्ट्रोक बेसिकली हैपेंस जब बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो अगर वो टेम्परेचर किसी और वजह से ऊपर चले जाए तो उसे हीट स्ट्रोक नहीं बोलेंगे, है ना, दैट इज कॉल्ड हाइपरथर्मिया। ओके ओके। पर हीट स्ट्रोक तब होता है अधिकतर लोगों में जब बहुत गर्मी होती है तब होता है जी, पर बहुत छोटे बच्चों में या बहुत बूढ़े लोगों में या जो मेंटली जो मेडिकली इल हैं लोग उसमें कम हीट से भी हो सकता है। ओके ओके, तो ऐसा नहीं है कि एक्सेसिव हीट से ही होता है, ये हो सकता है पर मोस्टली लोगों में एक्सेसिव हीट से ही होता है, मोस्टली यंग नॉर्मल लोगों में एक्सेसिव हीट से ही होता है। ओके एंड सर अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बाहर हैं तो ही हीट स्ट्रोक हो सकता है, घर पर हमको नहीं हो सकता है? मैम यूजुअली अगर आप एक एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर में हैं या कूल एटमॉस्फेयर में हैं तो आपकी बॉडी को हीट एक्सपोजर नहीं होगा। एक्जैक्टली। तो हीट स्ट्रोक नहीं होगा। Exactly. आपको हाइपरथर्मिया हो सकता है जी, बट हीट स्ट्रोक विल ओनली हैपन व्हेन यू आर एक्सपोज टू हीट। ओके ओके। एंड सर एक हमारे पास मिथ है कि यू ओनली नीड टू ड्रिंक वाटर व्हेन यू फील थर्स्टी, क्योंकि हमें जब प्यास लगती है तो हम कुछ कुछ पी लेते हैं, कभी जूस पी लेते हैं, कभी कोई ड्रिंक पी लेते हैं, तो क्या हमें पानी ही पीना चाहिए इस गर्मी में या फिर हम कुछ भी पी सकते हैं? देखिए क्या है कि अगर आप एक नॉर्मल कूल रूम में हैं तो आप नॉर्मल वाटर इनटेक में रहें तो दैट्स ऑल राइट, बट अगर आप हीट में एग्जर्ट कर रहे हैं तो आपकी बॉडी वाटर लॉस कर रही है स्वेटिंग के थ्रू, तो पानी पीते रहना चाहिए, बिना प्यास के भी पानी पीना चाहिए और खाली पानी नहीं पीना चाहिए। ओके okay. क्योंकि आपकी बॉडी पानी के अलावा मिनरल सॉल्ट्स भी लूज कर रही है। एग्जैक्टली। इसलिए आपको इलेक्ट्रोल, ओआरएस, सॉल्टेड वाटर, जूस, कोकोनट वाटर, ये सब भी पीना चाहिए। अगर आप प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हीट है तो जस्ट प्लेन वाटर मे नॉट बी इनफ। एग्जैक्टली। और प्लेन वाटर ज्यादा पिया भी नहीं जाता है। एब्सोल्युटली। सर क्लाउडी डे में हमको सनबर्न नहीं होगा ऐसा भी बोलते हैं, तो लेकिन मैम सनबर्न तब होगा जब सन की रेज डायरेक्टली आपकी बॉडी पे लगेंगी। ओके ओके। अगर सन की रेज आपकी बॉडी पे डायरेक्टली लगेंगी नहीं तो सनबर्न नहीं होगा। ओके सर जैसे मतलब सनस्क्रीन लगाने के लिए बोलते हैं कि क्लाउडी हो या फिर शाम हो रही है, आपको लगाना चाहिए सनस्क्रीन बिकॉज सन की जो रेज है वो आपके ऊपर पड़ती है। बट आपने जैसे बताया कि जब तक सन की रेज नहीं पड़ेंगी तो सनबर्न नहीं होगा, तो अगर हम ना भी लगाएं तो चलेगा सनस्क्रीन? देखिए मैम जब ट्वाइलाइट होती है जी, इवनिंग हो जाती है, सन की रेज बहुत ही हल्की हो जाती है। Exactly. तो यूजली लोगों को इवनिंग में सनबर्न नहीं होता। सनबर्न तब होता है, अर्ली मॉर्निंग में हो सकता है क्योंकि सन कैन बी वेरी ब्राइट इन अर्ली मॉर्निंग, स्पेशली जब लोग बीच पे होते हैं, डायरेक्टली सन को एक्सपोज होते हैं प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए, दे आर नॉट वेयरिंग क्लोथ्स, तो सनबर्न का रिस्क बढ़ जाता है। बट स्किन टाइप, उसमें कितना मेलानिन है, आपको सन एलर्जी है कि नहीं, दैट ऑल्सो चेंजेज योर रिस्क ऑफ सनबर्न। देयर आर सर्टेन पीपल जिनको बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन लगाना पड़ता है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो लगाते ही नहीं है। एग्जैक्टली। या जैसे मेरे पापा एंड ही इज स्टिल गोरा, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता, तो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल। आई हैव नेवर पुट अ सनस्क्रीन इन माय लाइफ। वाओ। आपको नहीं होता है सर सनबर्न? अभी तक तो नहीं हुआ। दैट्स वेरी नाइस।
ओके सर, तो ये कुछ और पास मिथ्स थे लोगों के जो हमारे पास आते हैं थ्रू इंस्टाग्राम. एंड सर नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस. तो सबसे पहले सर, जैसे आपने बताया कि हीट स्ट्रोक क्या होता है, मैं ये जानना चाहूंगी कि साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं हीट स्ट्रोक के, जिससे कि हमें पहले ही पता लग जाए कि हमको ये प्रॉब्लम हो सकती है. देखिए मैम, हीट स्ट्रोक से पहले कंडीशन होती है हीट एग्जॉशन. जी, तो हीट एग्जॉशन में जब हम बहुत हीट में एग्जर्ट करते हैं और हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा होता है पर वो क्रिटिकल मास तक नहीं जाता, तो हमें सुस्ती, लेथार्जी, थोड़ा लैक ऑफ अटेंशन, कमजोरी, ये सब होने लगती है. अगर ये सब हो रही है, हम डिहाइड्रेट फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब हीट इज अफेक्टिंग आवर बॉडी. ओके, पर जब वो बढ़ जाता है और हमारी बॉडी अपने टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाती, वो 40 डिग्री या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर चला जाता है, तो वो हमारे ब्रेन पे इफेक्ट करने लगता है. हमारे कॉग्निटिव फंक्शन इम्पेयर होने लगते हैं, हम ड्राउजी हो जाते हैं, हमारी स्पीच इम्पेयर होने लगती है, हमारी पल्स वीक हो जाती है, हम मूव नहीं कर पाते, फिर धीरे धीरे यूरिन आउटपुट भी कम होने लगता है. तो ये जो कंडीशन होती है जो एक स्ट्रोक जैसे लगती है, उसको हम बोलते हैं हीट स्ट्रोक. ओके, एंड सर इज इट अ सीरियस कंडीशन? मैम, अगर हम टाइम से इंटरवेंशन कर लें तो इट मे नॉट बी अ सीरियस कंडीशन, बट इफ़ यू डू नॉट डू इंटरवेंशन इन टाइम, इट कैन अफेक्ट योर अदर वाइटल ऑर्गन्स ऑल्सो, योर ब्रीदिंग, योर हार्ट, योर किडनीज, योर ब्रेन. इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है मैडम, जो बहुत बूढ़े लोग होते हैं या जो बीमार लोग होते हैं, उनमें इसका असर या इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो उन लोगों को खास ख्याल रखना चाहिए. ओके सर, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही था कि कौन से लोगों को जल्दी से ये हो जाता है. सर व्हाट वी कैन डू टू प्रिवेंट इट? बहुत सिंपल है मैम. देखिए, एक अगर आपको गर्मी में एग्जर्ट करना पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल आप एक कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, सेल्स वर्कर हैं, बाहर उनका आपका काम है, तो अपने साथ पानी की बॉटल रखिए और पानी अपने पास होना चाहिए ताकि आप समय समय पर पानी पी सकते हैं. अगर आप हीट में ड्राइव कर रहे हैं तो रुक कर पानी पीजिए, अपने आप को हाइड्रेट करिए, सॉल्ट वाटर लीजिए, जूसेस लीजिए, फिर इंटरमिटेंटली कूल प्लेस में, शेडी प्लेस में जाके आराम करिए. राइट, तो आपका जो हीट एक्सपोजर है वो लिमिट हो जाएगा. अगर आप एसी को एक्सेस कर सकते हैं तो वो करिए. दूसरा, बहुत टाइट कपड़े मत पहनिए. तीसरी चीज़, कपड़े लाइट कलर के पहनिए जो ईजिली ब्रीथ करें, सनलाइट को वापस रिफ्लेक्ट करें, तो आपका हीट एक्सपोजर बहुत कम हो जाएगा उससे. ओके, डार्क कलर्स लोगों को, ब्लैक कलर और नेवी ब्लू कलर्स बहुत पसंद होते हैं, तो वो थोड़ा आप अवॉइड कर सकते हैं. और अगर आप देखेंगे मैम, जो इंडियन कल्चर है और जो हमारा सिस्टम है सोसाइटी का, उसमें कॉटन, लिनन जैसे लाइट फैब्रिक्स लोग पहनते हैं गर्मी में ना, तो वो हमारे कल्चरली भी हमारे पास इनग्रेंड है कि ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए. एग्जैक्टली सर, बिल्कुल. सर जैसे आप ये बात बता रहे थे कि आराम करना चाहिए छांव में जाकर, तो इससे मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि ना ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, मतलब मेरे साथ तो बहुत ही होता है, मुझे लगता है कि मेरे जैसे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के साथ होता होगा कि पूरा टाइम एसी में रहते हैं ऑफिस में अंदर, और जैसे कभी बाहर निकले तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी, एक्सट्रीम 47 का टेम्परेचर है, तो इससे क्या होता है कि बहुत ही बॉडी में ना अजीब फील होता है कि एकदम से ठंड से हम गर्मी में आ गए, तो क्या इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए मैम, क्या होता है कि आपकी बॉडी एक टेम्परेचर को अडेप्टेड है. अगर आप सडन टेम्परेचर चेंज करेंगे तो बॉडी अपने अंदर चेंजेस लाएगी विच विल मेक यू फील एबनॉर्मल. हीट लग सकती है, सडन पसीना आ सकता है, कमजोरी लग सकती है, हेडेक होना चालू हो सकता है. खासकर जिन लोगों को माइग्रेन वगैरह है उनको तो बहुत हेडेक हो सकता है. पर आप अपने एक्सपोजर को लिमिट कर देंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी. बट सपोज आपकी बॉडी इज नॉट लाइकिंग, सपोज आपको तेज हेडेक हो रहा है और आप हीट में चलते रहेंगे, या आप ड्राउजी फील कर रहे हैं, लेथार्जिक फील कर रहे हैं, पर आप फिर भी एग्जर्ट करते रहेंगे, देन यू विल प्रोग्रेस टू नेक्स्ट लेवल. ओके, फिर तो बेहोश होना इज नॉर्मल. सर अगर किसी को साइंस हो रहे हैं हीट स्ट्रोक के, हम देख रहे हैं कि मतलब कुछ प्रॉब्लम तो हो रही है, जो आपने साइंस बताया वो सब हम देख रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं उनकी हेल्प करने के लिए?